हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की किताब रिमझिम से, जो कि क्लास थर्ड की यानी तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए है। और जो कहानी हमने पढ़ी थी बंदरबाट, उसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी कहानी पढ़ाई और बहुत इंजॉय किया। उससे भी ज्यादा इंजॉय आप इस सेकेंड पार्ट में करने वाले हो। इस पार्ट के अंदर आपको, यानी कि ये जो पार्ट मैं आपका बना रहा हूँ, भाग दो जो बना रहा हूँ बच्चों, इसके अंदर आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। और काफी सरप्राइजेस मैंने आपके लिए रखी है, थोड़ा सा दिखाऊंगा, पूरा बाद में बीच में दिखाऊंगा। ये क्या है आपने देख लिया, ठीक है, उसके बाद कुछ और सरप्राइज है आपके लिए, और फिर ये भी एक सरप्राइजेस है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें अभी नहीं भाई, एंड के लिए, ठीक है, एंड में भी और बीच में जब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएंगे तब आपको बहुत मजा आने वाला है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर इसका सेकंड पार्ट, यानी कि भाग दो, ठीक है, बने रहो और बहुत इंजॉय करने वाले। तो बेटा इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर करेंगे। और जो पहला प्रश्न आपके लिए, आपकी जो बुक रिमझिम से, वो ये है। इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, आपको ये बताना है इसके अंदर। यानी कि जो प्रश्न, पहला प्रश्न आप लिखोगे, कहने का मतलब है इस तरह से आपने लिखना है प्रश्न संख्या एक, और लिखोगे कि दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, उनके झगड़े का हल कैसे निकला, ये आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न के अंदर। प्रश्न एक में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो भाई इसका जो उत्तर लिखोगे वो कुछ इस तरह लिखोगे भाई, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी थी। भाई क्या थी, इन झगड़े के बीच जड़ एक रोटी थी, और उस रोटी की वजह से ही दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था कि ये रोटी मेरी है और ये कह रही है रोटी मेरी है। यानी कि काली और सफेद बिल्ली दोनों लड़ रही थी, और बंदर के पूरी रोटी खाने के बाद, ठीक है, यानी कि पूरा कंप्लीट रोटी खाने के बाद ना रोटी बची और ना ही दोनों बिल्लियों का झगड़े का कारण। यानी कि बंदर ने क्या किया, इनकी रोटियों को खा लिया, ठीक है। जब इनकी रोटी खा लिया बंदर ने तो क्या हुआ, जब झगड़ा रोटी की वजह से हो रही थी, रोटी खत्म हो गई तो झगड़ा भी खत्म हो गया था, ठीक है। तो बेटा ये पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हो। चलो अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, कि दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो भाई अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, आपके बारे में पूछा जा रहा है कि आप भाई किस किस से झगड़ते हो या झगड़ा करते हो। तो बच्चों इस प्रश्न का, यानी कि ये प्रश्न संख्या दो जो है आपके लिए, ये वाला, इसका उत्तर आप लिख सकते हो। यहां लिखोगे ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न संख्या दो का उत्तर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूं कि हम अक्सर अपने छोटे और मित्रों के साथ झगड़ते हैं। मित्र यानी कि दोस्त, छोटे छोटे का मतलब यहां पर क्या है, भाई और बहन की बात की जा रही है। यानी कि आप अपने छोटे भाई बहन के साथ झगड़ा करते हो, या फिर बड़े, या फिर मित्रों के साथ भी, यानी कि दोस्तों के साथ भी झगड़ा करते हो। कुछ कहेंगे सर हम छोटे भाई बहन के साथ नहीं करते, हम किसके साथ करते हैं, हम तो बड़े के साथ करते हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है भाई, लेकिन ज्यादातर हम झगड़ा जो करते हैं अपने बराबर वालों से या छोटे वालों से करते हैं, बड़े से तो भाई पिटाई हो जाएगी ये सोच करके, ठीक है। तो दूसरे का उत्तर लिखोगे, हम अक्सर अपने से छोटों और मित्रों के साथ झगड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है बच्चों, ये है, ठीक है, ये देखो भाई। तो तीसरे प्रश्न में आपके साथ कुछ इस तरह से कि झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है भाई, उस टाइम के लिए पूछा जा रहा है कि आप झगड़ते समय क्या क्या करते हो, ठीक है, क्या क्या करते हो, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हो इस तरह, झगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीज छीनते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा खाने की अच्छी अच्छी चीज लाते हैं। मान लो भाई अभी गर्मी का समय है तो आम लाते होंगे भाई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सेब लाते होंगे, तो आप लोग आम के लिए, सेब के लिए, या जो भी आपको पसंद है उन चीजों के लिए जो आपको पसंद है, खाने पीने की चीज के लिए झगड़ा करते होगे, और उन्हें क्या करते होगे, छीनते होगे, ठीक है, कभी कभार मार पिटाई भी कर लेते होगे भाई। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, झगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीजें छीनते हैं, और कभी कभी एक दूसरे को
मार भी देते हैं। क्या कर दे रहे हो? मार भी देते हो। तो ठीक है, ये आप लोग करते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रहे, अब से नहीं करोगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भी, प्रॉमिस करो कि सर आज के बाद हम अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ा नहीं करेंगे। लिखो भाई, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तभी तो फायदा है पढ़ाने का, नहीं तो गलत हरकतें थोड़ी सीखनी है आपको, अपने अंदर सुधार लाना है। अच्छा, प्रश्न चार जो है बच्चों, उसके अंदर ये पूछा जा रहा है आपसे, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? भाई स्कूल की बात करो तो भाई आप कहोगे सर आप कराते हो, यानी कि शिक्षक की बात की जा रही है। किससे करवाते हो? शिक्षक यानी कि टीचर। टीचर को हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? शिक्षक लिखेंगे। ठीक है, यानी कि अपने टीचर से ही अपने झगड़े का हल करवाते हो। लेकिन जब आप घर में होते हो भाई, तब बताओ किससे करवाते हो? तो कहोगे सर हम तो मम्मी से या फिर पापा से कराते हैं। तो आप उत्तर लिख सकते हो, जब हम झगड़ते हैं, क्या करते हो? झगड़ते हैं। ठीक है, झगड़ते, हमारा फैसला अक्सर मम्मी करवाती है। फैसला कौन कराती है? भाई मम्मी कराती है कि भाई ये लो भाई, आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा, आधा या मान लो आपके घर में चार आम आए हैं और दो भाई बहनों, तो मम्मी ने बोला दो आम आपका और दो आम आपके भाई का या फिर बहन का, इस तरह से बंटवारा कर देती है आपकी मम्मी। ठीक है, ताकि आप लोग आपस में झगड़ा ना करो। अच्छा, उसके बाद चलते हैं बच्चों, अभी तो हमने ये चार प्रश्न कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा प्रश्न है आपके लिए वो कुछ इस तरह से, पहले पढ़ लेते हैं भाई। अगला जो टॉपिक है आपका झूले। अरे भाई झूला झूलने वाला क्या झूले है, देखते हैं भाई क्या है। ले में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। क्या कहते हैं? झूले। झूले झूले नहीं बेटा, झूले। ठीक है, क्या बोलते हैं? ज ज ज ज भाई, झ नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार झ बोल रहा था। ठीक है, आपको झूला से याद आ जाए। ठीक है, झूले को कैसे याद रखोगे? झूले है ये, क्या है? झूले। और झूला जो है वो अलग होता है बेटा। ठीक है, ज और झ में अंतर है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। ठीक है, आप सही बोल रहा हूं ना, ऐसे ही बोलना है। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती है। बिल्लियां क्या बोल रही थी शुरू में? नमस्ते बोल रही थी। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न ये है। ठीक है, प्रश्न संख्या पांच यहां से शुरू हो रहा है आपके लिए। क्या है प्रश्न? तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? अगर लड़का है तो लिखोगे क्या कहते हो, अगर आप लड़के हो बॉय हो तो लिखोगे क्या कहते हो। ठीक है, बाकी लड़कियों के लिए तो दिया हुआ है ये कहती हो। ठीक है, लड़कियों के लिए कहती हो, और लड़के जो होंगे वो क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करके यहां लिखेंगे कहते हो। सबसे पहले पूछा जा रहा है तुम्हारी सहेली या दोस्त, यानी कि आपकी जो फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है, उससे आप क्या कहते हो, पहले उसके बारे में बताओ। फिर अपने टीचर से, तुम्हारे टीचर यानी शिक्षक, उनकी बात की जा रही है। फिर दादाजी और दादी जी के बाद कौन होती है? दादी जी और नानी जी। तो यानी कि कहना कहा जा रहा है कि दादाजी दादी जी, या फिर आप बोल दीजिए कि दादी जी और नानी जी, यानी कि इन चारों को आप क्या बोलते हो, उनके बारे में पूछा जा रहा है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे भाई बहन को, आप अपने भाई बहन को भी विश करते हो कुछ, नमस्ते बोल करके, राम राम बोल करके, गुड मॉर्निंग बोल के, गुड इवनिंग बोल करके, या फिर जैसे भाई लेह में, लेह लद्दाख में क्या बोलते हैं? झूले बोलते हैं। झूले तो नहीं बोलते हो, तो जो भी बोलते हो वो आपको बताना है। कैसे? देखो भाई, प्रश्न पांच का उत्तर कुछ इस तरह लिखोगे। सहेली दोस्त से तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, ये बोलते हैं अपने दोस्तों से। अच्छा, टीचर है, टीचर से आप यानी कि मुझसे क्या बोलते हो? नमस्ते भी बोलते हो और गुड मॉर्निंग भी विश करते हो। क्या विश करते हो? गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, ऐसे भी बोलते हो। अच्छा, दादी जी से, दादाजी से, उनसे क्या बोलते हो? राम राम बोलते हो, या फिर उनके चरण स्पर्श करते हो, यानी कि पैर छूते हो। किससे? दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, यानी कि जो बड़े हैं घर में सबसे, उनके आप पैर छू करके क्या बोलते हो? राम राम भी बोलते हो, या फिर क्या बोलते हो? प्रणाम भी बोलते हैं भाई। ठीक है, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं? प्रणाम भी बोलते हैं। जो आप बोलते हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे भी कमेंट करके बताना भाई कि आप अपने बड़े को घर में क्या बोलते हो। ठीक है, मुझे भी जानना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मम्मी पापा भी हो सकता था भाई, लेकिन इस प्रश्न में नहीं है, पर मुझे बताना कि आप अपने मम्मी पापा को क्या बोलते हो। ठीक है, उसके बाद बड़े भाई बहन को,
जो आपसे बड़े भाई बहन है, भैया दीदी, उनको क्या बोलते हो? जैसे मैंने उत्तर लिखवाया आपको, नमस्ते भी बोल सकते होगे, नमस्ते भी बोल सकते हो, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भी विश कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना उत्तर इस तरह से लिख सकते हो। जितने भी जरूरी जरूरी चीजें थी बेटा, मैंने उनको क्या किया, बॉक्स में बना दिया, ताकि आपको याद रहे भाई सर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपके लिए कुछ इस तरह से, ये है प्रश्न संख्या 6 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अब पता लगाओ तुम्हारे साथी, साथी का मतलब है मित्र की बात की जा रही है, दोस्तों की बात की, साथी बोलो, दोस्त बोलो, मित्र बोलो, फ्रेंड बोलो, ये सब क्या है, सब एक ही है। दोस्त दोबारा लिखता हूं बेटा, देखो क्या बोलो, दोस्त बोलो, मित्र बोलो, फ्रेंड बोलो, सब एक ही शब्द है, सब एक ही का मतलब, सबका मतलब एक ही है। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते करते हैं। जैसे आप लोग अपने घर में नमस्ते, राम राम, और जो भी है सलाम अलैकुम, जूले भी बोलते हो, शास्त्रीय काल भी बोलते होगे, कुछ और भी बोलते होगे। ठीक है, तो जो भी आप बोलते हो वो आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे आसाम में भी, मैं थोड़ा आसाम में रह के, वो जो फोटो दिखाई थी ना वो मेरे पुराने स्कूल की है, जब मैं आसाम में था वहां की फोटो है। ठीक है, अभी नहीं, रुको, सरप्राइज सरप्राइज रहने दो, मेरे मुंह से निकल गया, अभी नहीं बताऊंगा, रुक जाओ, थोड़ा वेट करो, पहले ये क्वेश्चन आंसर करो, पहले यानी प्रश्न उत्तर को करो। तो ये बेटा इसका उत्तर आप लिख सकते हो, कक्षा में हमारे साथ ही कई तरह के तरीके से नमस्ते करते हैं। जैसे कैसे कैसे बोलते होंगे, कुछ बच्चे होंगे सर हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, प्रणाम भी बोलते हैं, नमस्ते भी बोलते हैं। तो ये तरीके हैं कि हम अपने से बड़ों को विश करते हैं। ठीक है, तो आप भी बताना भाई आप सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा शब्द का प्रयोग करते हो। जैसे भी मैं अपनी बात करूं तो मैं तो भाई नमस्कार बोलता हूं, क्या बोलता हूं, नमस्कार बोलता हूं भाई मैं तो। ठीक है, चलो मैं नहीं लिखूंगा यहां पे, मैं क्या बोलता हूं, नमस्कार बोलता हूं। ठीक है, तो नमस्कार नमस्ते एक ही बात है, यानी कि आप ये सोच सकते हो कि सर तो ये पांचवें वाला जो है ना ये सबसे ज्यादा बोलता हूं मैं। ठीक है, तो आप क्या सबसे ज्यादा बोलते हो मुझे भी बताना और अपना नाम भी बताना। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये था बच्चों आपका प्रश्न संख्या 6। ठीक है, और 6 के बाद बेटा अब आ जाएगा प्रश्न संख्या आपका 7। ठीक है, यानी कि 7 की बात की कर रहे हैं सर, इसकी बात कर रहा हूं। इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि, और हेडिंग क्या है, तुम्हें क्या लगता है। अब तुम्हें क्या लगता है यानी कि आप लोगों की बात की जा रही है, तुम्हें का मतलब है छात्रों की यानी स्टूडेंट की बात की जा रही है। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। भी आपको क्या लगता है कि रोटी सफेद बिल्ली को मिलनी चाहिए या फिर काली बिल्ली को मिलनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग भाई किसको मिलनी चाहिए ये आपको बताना है। इसके अंदर बहुत ही आसान सा सवाल है भाई, और ये आप लोग बता भी सकते हो कि सफेद बिल्ली को रोटी दोगे या काली बिल्ली को रोटी दोगे। तो आप जिसको भी देना चाहते हो मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखोगे, जैसे मैं अपनी अपना उत्तर आपको बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से तो भाई किसको मिलनी चाहिए रोटी, काली बिल्ली को मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने सबसे पहले बिल्ली, जो बिल्ली थी सबसे पहले झपट्टा मारा था, यानी कि उसे अपने अपने पास ले लिया था, सबसे पहले उठाया था। तो मेरी राय में, यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हमारी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। किसको मिलनी चाहिए थी, काली बिल्ली को, क्योंकि उसने सबसे पहले उठाया था, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो उत्तर लिखोगे कि हमारी राय में, या फिर हमारी की जगह बेटा मेरी शब्द भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, मेरी भी लिख सकते हो, हमारी की जगह, इसकी जगह आप मेरी शब्द भी लिख सकते हो, दोनों एक ही मतलब है। मेरी राय में या हमारी राय में रोटी काली बिल्ली को मिलनी चाहिए। ठीक है, वजह क्यों, क्योंकि उसने, बिल्ली ने हिम्मत करके रोटी को उठाया था। अच्छा, अब करते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 8 भाई। ठीक है, कौन सा कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 8। ठीक है, अब देखो भाई 8 में क्या है, पहले पढ़ के समझते हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा। क्या सवाल पूछे थे बंदर ने, ये पूछा था भाई, पहला तो ये पूछा था और दूसरा ये पूछा था, क्या एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से। किससे पूछा था भाई, कमेंट करके बताओ, किस बिल्ली से पूछा था उसने,
जल्दी बताओ, मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पे लिख दूंगा बाद में, ठीक है। और दूसरा बताना है आपको, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांग से। ये बंदर ने ये वाला पहला सवाल किससे पूछा था ये आपको बताना है, और दूसरा सवाल किससे पूछा था बंदर ने ये भी आपको बताना है भाई, ठीक है। मुझे बताना है, प्रश्न में नहीं पूछा, ये मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। तो प्रश्न आपसे ये है कि बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्हें रोटी, रोटी के बारे में सवाल पूछा था ना, कि एक आंख से देखी थी या दो आंख से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। इस तरह के जो सवाल बंदर ने क्यों पूछा था ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। तो भाई इसकी पूछने, बंदर के ये पूछने की वजह बस इतनी सी थी कि बंदर रोटी खाना चाहता था, और उन्हें किस तरह क्या बना करके, उन्हें बेवकूफ यानी कि मूर्ख बना करके बंदर दोनों बिल्लियों को, सफेद बिल्ली को भी और काली बिल्ली को भी, मूर्ख बनाने के लिए ऐसे सवाल पूछ रहा था, ठीक है। तो उत्तर लिखोगे बेटा इस तरह से कि बंदर ने ये सवाल बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए पूछे होंगे, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स में लिख दिया ना, ये भाई इस क्वेश्चन में मेन आंसर है, मूर्ख बनाने के लिए, ठीक है। मूर्ख कैसे लिखते हैं वो देख लो, और बिल्लियों में बेटा ये बिंदी भी लगाई मैंने, ये ध्यान रखना, जब बहुवचन आता है तो बिंदी लगती है, ये गलती मत करना। तो बंदर ने ये सवाल बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए पूछे थे। अब जो मैंने प्रश्न पूछा भाई उसका उत्तर आपको बता देता हूं, अगर आपने कमेंट में नहीं बताया तो भाई अच्छी बात नहीं भाई, मैं चाहता था आप लोग बताओ। तो सबसे पहले उसने ये सवाल जो पूछा था, एक आंख से या दो आंख से, ये सफेद बिल्ली से पूछा था, और एक टांग से झपटी या दोनों टांग से, ये पूछा था बंदर ने काली बिल्ली से, ठीक है, किससे, काली बिल्ली से पूछा था, ठीक है। तो ये हो गया भाई जो मेरा प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। चलो अब करते हैं प्रश्न संख्या 9, और प्रश्न संख्या 9 में क्या है भाई, ये भी बड़ा मजेदार है, और ये आपका भाई जो हेडिंग है ये है बंदर बाट, जो कि हमारे कहानी का नाम भी है, नाटक का नाम भी है बंदर बाट। देखो ये लिख रखा है मैंने ऊपर, ये देखो बंदर बाट, ठीक है। बाकी तो आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, कोने में छोटी सी मेरी शक्ल भी दिख जाती होगी आप लोगों को, है ना, ये छोटी सी मेरी शक्ल भी दिख जाती होगी। हाँ, और बोलोगे सर आपका नाम भी दिख रहा है हमें, कृष्णा सा नीचे लिखा होगा, हाँ भाई लिख देते हैं ताकि आपको पता लग जाए। अच्छा अब नौवें प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है, आपको ये बताना है। जो टाइटल है, शीर्षक का मतलब बेटा हेडिंग, जो देखो ऊपर हेडिंग लिखा है ना मैंने, पाठ 8 बंदर बाट, इसकी बात की जा रही है, उसको बोलते हैं शीर्षक हिंदी में, इंग्लिश में टाइटल बोलते हैं, हिंदी में शीर्षक बोलते हैं। तो बंदर बाट क्यों है ये आपको बताना है, बहुत आसान से सवाल है भाई, बंदर रोटी बांट रहा था इसलिए बंदर बाट हो गया भाई, ठीक है। तो लिखोगे उत्तर, कहानी बंदर रोटी का बंटवारा, कहानी में, यहां पे एक शब्द मैं भूल गया लिखना लगता है टाइप करना, कहानी में, ठीक है, कहानी में बंदर रोटी का बंटवारा करता है, क्या करता है, रोटी का बंटवारा करता है, इस वजह से क्या है बंदर बांट, बेटा बीच में लिख लेना, में एक वाली मात्रा, यहां लिख दूंगा छोटा सा दिखनी होगा रेड कलर में, मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से में, कहानी में, टाइपिंग नहीं कर पाया था, तो कहानी में बंदर रोटी का बंटवारा करता है इसलिए भाई इसका कहानी का नाम क्या है बंदर बाट। तो कारण क्या हो गया, कहानी में बंदर रोटी का बंटवारा करता, ठीक है, ये कारण हो गया भाई। अच्छा उसके बाद अगला प्रश्न जो आपके लिए है, यानी कि प्रश्न संख्या 10, 10th क्वेश्चन, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, पढ़ो भाई जल्दी से, मुझसे भी पहले पढ़ो। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे, लड़के हो तो चाहोगे लिखोगे, और लड़कियों के लिए तो लिखा हुआ ही है चाहोगी, लड़के होते तो क्या लिखते, चाहोगे, जो लड़के हैं वो तो ये लिख देंगे भाई, ठीक है, और जो लड़कियां हैं उनके लिए तो देखो ये जो मैंने सर्कल सा बना दिया ये उनके लिए तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो लड़के ध्यान रहे आपने क्या लिखना है भाई, चाहोगे लिखोगे। बोलोगे सर सर में बुक में तो सर चाहोगी लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है पर मैं लड़कों को ये लिखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो भाई आप बताओ आप क्या नाम डालना चाहोगे भाई, आप अपने बारे में बताओ बच्चों, लड़की लड़की के हिसाब से आंसर करेगी, लड़का लड़के के हिसाब से आंसर। तो 10वें प्रश्न का उत्तर बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई मैं नाटक में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, नाटक का जो नाम रख सकता हूं कुछ इस तरह से रख सकता हूं, मैं नाटक को बिल्लियों की मूर्खता, ये देखो यहां से बिल्लियों की मूर्खता नाम देना चाहूंगी, लड़की है तो लिखोगे चाहूंगी, अगर भाई लड़का है तो क्या लिखेगा, चाहूंगा, ठीक है, और ये डंडा आ गया, चाहूंगा, लड़का क्या लिखेगा चाहूंगा,
लड़कियों के लिए तो भाई ये मैंने पहले ही टाइप कर दिया है, चाहूंगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग अपना उत्तर लिख सकते हो कि मैं नाटक को बिल्लियों की मूर्खता नाम देना चाहूंगी, लड़की बोलेंगे और लड़के बोलेंगे चाहूंगा। तो इस तरह बच्चों अपने उत्तर आप लिख सकते हो, बहुत मजेदार आंसर है ना। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। तो प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, पढ़ो जल्दी से, पढ़ लिया। चलो अब मैं समझाता हूं। जो शीर्षक तुमने दिया, यानी कि आप लोगों ने जो दिया ना शीर्षक दिया, टाइटल दिया, उसके बारे में बोला जा रहा है। जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। भाई आपने जो ये उत्तर बताया है कि बिल्लियों की मूर्खता, मेरे जो मैंने बताया भाई, इस टाइप का आंसर आपने क्यों दिया, उत्तर क्यों लिखा, इसका कारण बताओ भाई। ठीक है, आसान सा सवाल है, कारण बताना है। तो भाई कारण बता देंगे भी, कैसे देखो भाई कैसे बताएंगे, इस तरीके से कि दोनों बिल्लियों के लड़ने के कारण, जो दोनों बिल्ली क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, लड़ने के कारण बंदर को रोटी खाने का मौका मिल गया। क्या मिल गया? मौका मिल गया, जिस कारण उन्हें रोटी से हाथ धोना पड़ा। अरे भाई पहले एक बात समझ लो, हाथ धोना पड़ा का मतलब ये नहीं कि जैसे आप पानी लेकर के हाथ धोते हो वैसे ही रोटी लेके हाथ धोते हो, नहीं भाई, हाथ धोने का मतलब यहां पे ये है रोटी खोना पड़ा, यानी कि उनकी रोटी, शब्द क्या था कहानी के अंदर, हड़पा, याद है? बिल्कुल लास्ट में देखना कहानी में, दोबारा जाके देखना इसका पहला पार्ट, उसमें आपको मिलेगा शब्द क्या था, हड़पा। किसने रोटी हड़पा? बंदर ने रोटी उसकी लेके भाग गया था, यानी हड़प लिया था। तो उसी को बोला जा रहा है हाथ धोना पड़ा, यानी कि उनकी रोटी खा गई थी। क्यों? क्योंकि भाई बंदर ने उनको मूर्ख बना दिया था। ठीक है, मूर्ख बना करके सारी रोटी खा गया था, लेके भाग गया था, बिल्लियों को रोटी खाने को नहीं मिली। तो इस वजह से मैंने इसका जो नाम दिया, दोनों बिल्लियों के लड़ने के कारण बंदर को रोटी खाने का मौका मिल गया, जिस कारण उन्हें रोटी से हाथ धोना पड़ा था, ये कारण था भाई मेरा ये टाइटल बिल्लियों की मूर्खता देने का। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप इसका उत्तर लिख सकते हो, बहुत आसान है ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर लिखना। चलो अब देखते हैं भाई अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये बहुत ज्यादा मजेदार है, और इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी ड्राइंग भी करनी पड़ सकती है। ड्राइंग को हिंदी में बोलते हैं चित्रकला, लिखना नहीं है, बस लिख के बता रहा हूं, गलत ना लिखो ताकि आप लोग, हिंदी में ड्राइंग को क्या बोलते हैं, चित्रकला बोलते हैं बेटा। ठीक है, जो आप लोग ड्राइंग बोलते हो ना इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उसे चित्रकला। ठीक है, ये आपके बताने के लिए, कॉपी में मत लिख लेना इसे। चलो अब प्रश्न है आपके लिए, ये प्रश्न हमने किया था अभी, इससे पहले किया था हमने ये प्रश्न संख्या 10-11 किया था, अब आपका ये प्रश्न संख्या 12 हो गया ये वाला। ठीक है, तो लिखोगे प्रश्न 12, बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तोलकर खरीदा जाता है, इनमें से आपको बताना है भाई किन चीजों को तोल के खरीदा जाता है। ठीक है, तो ये भाई कुछ केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल लग रहा है मुझे, ये भाई सीताफल लग रहा है या खरबूज लग रहा है, कुछ ऐसा है ना, क्या है भाई ये, सीताफल है खरबूज है, बताना मुझे। फिर भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये बताना है आपको कि इन चीजों में से किस चीज को भाई तोला जाता है। ठीक है, तोल यानी कि तराजू में रख के तोला जाता है, आपको ये बताना, बहुत आसान सवाल है, सबके नाम आपको पता ही है, तो भाई इसका उत्तर आप लिख सकते हो। भाई तरबूज को तोला जाता है, चावल को तोला जाता है, और नारियल को भी तोला जाता है, इसके अलावा संतरे को भी तोला जाता है। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो खाने पीने की चीजें हैं, तरबूज, चावल, नारियल, संतरा। कैसे पता लगा मुझे भाई, यहां से पढ़ के बताया मैंने। ठीक है, तरबूज, ठीक है, नारियल, संतरा, नारियल ये रहा देखो, ठीक है, और बाकी चीजें भी, अच्छा और भी जो चीजें आपको लगती है कि भी जिसको तोला जाता है, तो वो आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अच्छा अगला प्रश्न है आपके बच्चों लिए 13वां प्रश्न, 13 क्वेश्चन बोल सकते हो या 13वां प्रश्न आप बोल सकते हो, वो ये है, तौलते वक्त एक पलड़ा था ना जिसमें रोटी रखी जा रही थी, अब बंदर ज्यादा होते उसे खा ले रहा था, तो उसके बारे में बोला जा रहा है, तौलते वक्त एक पलड़े में तौली जाने वाली चीज रखी जाती और दूसरे में तौलने के लिए बाट रखा जाता है। क्या रखा जाता है? बाट रखा जाता है। बाट किस धातु या चीज से बना होता है? बाट के बारे में बताना है आपको कि वो किस धातु यानी कि किस चीज से बना होता है। तो बच्चों इसका जो उत्तर आप लिख सकते हैं वो कुछ इस तरह लिखोगे कि बाट किस चीज से बना होता है,
लोहे से बना हो सकता है, पीतल से बना हो सकता है, सिल्वर से बना हो सकता है, तांबे से बना हो सकता है, या और भी आदि का मतलब है वो आदि नहीं जो घर में आती सब्जी बनी, आदि का और चीजों से बन सकता है। तो उत्तर लिखोगे बाट, लोहे, पीतल, सिल्वर, तांबे आदि धातुओं से के बने होते हैं। किसी से बने होते हैं? धातु है। कौन कौन से धातु? लोहा, पीतल, सिल्वर या फिर मैं कह सकता हूं क्या तांबे से, इन चीजों से बना होता है, इन धातुओं से बना होता है बाट जिसे तौलते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। लो भाई इसका उत्तर भी मैंने यही लिख दिया है ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। प्रश्न क्या है पहले पढ़ लेते हैं भाई, वो ये है बाट तौली जाने वाली चीज का वजन करता है, वजन बताता है, वजन किलोग्राम ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम, कितने किलोग्राम, जैसे इंग्लिश में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है केजी, ठीक है, और ग्राम को लिखा हुआ मिल सकता है स्मॉल जी, लिखा हुआ मिल सकता है ग्राम के लिए, के बट्टे मिलते हैं। आपको पता करना भी मार्केट में, लेकिन अभी नहीं पता करना है, जब आप फ्री होकर के अपने मम्मी पापा के साथ, जब आपकी मम्मी पापा बाजार लेके जाएंगे, लेकिन जिद नहीं करना है कि सर ने बोला है, सर ने बोला, ठीक है, अभी COVID-19 खत्म होने दो, उसके बाद, ठीक है, जब आपके मम्मी पापा आपको ले जाए तब पता करना भैया, अभी मैं पता करने लग जाना, ठीक है। तो फल वाले, सब्जी वाले या फिर परचून, यानी कि किराने की दुकान भी बोलते हैं, ठीक है, फल वाले, सब्जी वाले और परचून की जो दुकान होती है, यानी कि किराने की जो दुकान होती है, वहां से आप पता कर सकते हो भाई किस किस किलो का या बाट ग्राम का होता है। जैसे मैंने जो देखा है भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने अभी 50 किलो का बाट देखा है, 10 किलो का भी देखा है, 2 किलो का भी देखा है, 1 किलो का भी देखा है, 500 ग्राम का भी देखा है, 250 ग्राम का देखा है, 100 ग्राम का देखा है और 50 ग्राम का देखा है, 20 ग्राम का देखा है और 10 ग्राम का देखा है। ग्राम को बेटा इंग्लिश में जी लिख करके भी आपको मिल सकता है बाट के ऊपर, और किलोग्राम, जैसे किलो किलो बोल रहा हूं, इसका मतलब होता है किलोग्राम, उसके लिए केजी इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब आप बाट देखोगे तो ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। आजकल तो भाई सब लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करने लग गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करने लग गए, तो भाई ये बाट की जगह एक मशीन आ गई है, वहां पे भी यूज किया जा रहा है, जिनके पीछे लिखा रहता है कि मान लो एक किलो में लिखा है 1000 ग्राम हो गया भाई, या फिर लिखा होगा 1 kg लिखा होगा, इन दोनों में से कोई एक लिखा होगा, ठीक है। अगर आप डिजिटल बैलेंस को अगर देखोगे तो वहां ऐसा भी मिल सकता है आपको, ठीक है बच्चों, तो देखना मुझे भी बताना, लेकिन जिद नहीं करना है, ध्यान रहे। अब अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, प्रश्न संख्या 15, ठीक है, प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछी जा रही है ये कि भाई तुम्हें किन किन चीजों के पकने की महक यानी कि खुशबू अच्छी लगती है। भी आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भी कौन कौन सी चीज है जिसकी महक या खुशबू आप लोगों को पसंद है, ये बताना है इसके अंदर। बहुत आसान सवाल है इसमें, ठीक है। इसका उत्तर आप बोल सकते हो कि सर हमें हलवा, सब्जी, जलेबी, चीजों के पकने की महक बहुत पसंद है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने मेरा फेवरेट नहीं लिखा, क्या खीर नहीं लिखा आपने, तो भाई अपने हिसाब से आप अपने फेवरेट चीजों का नाम लिख सकते हो। मैंने तो भी अपना लिख दिया कि हमें हलवा, सब्जी, जलेबी, चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है, ठीक है। तो आपको जो भी चीज पसंद हो बच्चों, तो उस हिसाब से अपना उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप अपना उत्तर लिखोगे। अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, ये प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है और किन किन चीजों की महक आती है। ये तो खाने पीने की बात होगी, खाने पीने के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी जहां से स्मेल यानी कि महक आती है। जैसे आपके लिए बताया गया कि भी खाने की जुड़ी चीजें नहीं होती, वो कौन सी होती है जो खाने पीने यानी कि खाने से जुड़ी नहीं होती है, कौन कौन सी, जैसे साबुन की सुगंध, जूते पॉलिश की गंध और भी आदि 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 होती है। तो ये जो बच गए ना डैश डैश है आपके लिए, ये आपको फिल करना है, ठीक है। तो जैसे बच्चों आप लिख, एक मिनट, हाँ
तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि सर जो गंध आती है, यानी कि गंध का मतलब बदबू होता है, सुगंध का मतलब खुशबू होता है। दो शब्द लिखा है मैंने, गंध का मतलब जिसे आप पसंद नहीं करते हैं बदबू, और सुगंध का मतलब जिसे हम पसंद करते हैं। तो जैसे फिनाइल की गंध, मिट्टी के तेल की गंध, गैस की दुर्गंध, दुर्गंध का मतलब स्मेल होता है जिसे हम पसंद नहीं करते, गैस की दुर्गंध, पाउडर की सुगंध, सुगंध भाई अच्छी लगती है ठीक है, पाउडर की सुगंध, क्रीम की सुगंध, या फिर फूलों की, भाई फूलों की तो सबसे अच्छी होती है, कौन से फूल की, गुलाब की, है ना, और भी बहुत सारे फूलों की होती है। मैंने लिखा भाई, ये आपको उत्तर लिखना नहीं, गुलाब नहीं लिखना, ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि फिनाइल की सुगंध, मिट्टी के तेल की गंध, गैस की दुर्गंध, पाउडर की सुगंध, क्रीम की सुगंध, या फिर फूलों की सुगंध, ये चीजें जो हमें खाने पीने के अलावा दूसरे चीजों से स्मेल, खुशबू, महक आती है ठीक है। तो ये बच्चों हमने कर लिया प्रश्न संख्या कौन सा भाई, 16वां कर लिया भाई, 16 प्रश्न के उत्तर करा दिया मैंने आज आपको, अब थोड़े से और रह गए ठीक है। अब ये है यहाँ पे 17वां प्रश्न, ये यहाँ पे ये 17वां है, उसके बाद अब जल्दी जल्दी करेंगे, आप कहोगे सर अब सरप्राइज अभी तक नहीं दिखाया आपने, अब आने वाला है भाई ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगली हेडिंग जो है, आगे पीछे, मुझे महक आती, मुझे महक रोटी की आती, बिल्ली बात कर रहे थे, फिर उसको ठीक तरह से कैसे लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तो इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये कुछ वाक्य लिख दिए गए आपके सामने, उसे ठीक से लिखोगे आप ठीक है, कि तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों को, शब्दों को आगे पीछे करके लिखो, यानी कि आपको क्या करना है, जो ये दे रखा है इनको ठीक से अपने हिसाब से सही से लिखना। जैसे 17वां प्रश्न में, उसी खोज में मैं भी निकली, बातचीत हो रही थी ना, बिल्ली बिल्ली भूख भूख लगी है, तो इसे लिखना है। 18वें में क्या है, रखी मेज पर है वो रोटी, तो इसे भी ठीक से लिखना है। कैसे देखोगे, 17-18 दोनों एक साथ बता रहा हूं बच्चों, तो लिख सकते हो मैं भी उसी खोज में लिख ली, अंडरलाइन किया ना, ये चीज नहीं था, ये मैंने खुद लिखवाया आपको, ये तो प्रश्न में था, ये वाला रेड जो लाइन कर रहा हूं ये प्रश्न के अंदर था ये दोनों, कि वो रोटी मेज पे रखी है, वो रोटी मेज पे रखी है, इसे सही से लिख सकते हो। और यहां क्या लिख सकते हो, उसी खोज में निकली, किस खोज में भाई, भाई रोटी की खोज में निकले थे दो बिल्ली ठीक है, तो आप इस तरह दोनों का उत्तर लिख सकते हो ठीक है बच्चों। तो ये दोनों प्रश्न 17-18 आपका हो गया। अब 19 देख लो, ये 19 है, ये 20 है, और ये 21 है, तीनों का एक साथ कराता हूं, कि डरती थी उस तक जाने में, किस तक, रोटी तक, दोनों बिल्लियां डर रही थी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, बिल्ली बोल रही थी ना, जब काली बिल्ली लेके जा रही थी तो सफेद बिल्ली ने क्या बोला था, कि मैं तुझे लेके नहीं जाने दूंगी ये रोटी, ये बात हो रही थी 20वां प्रश्न। और 21वें में आपसे बोला जा रहा है, जो पहले देखे हक उसका रोटी पर, कौन बोल रही थी, सफेद बिल्ली बोल रही है कि जो पहले देख लेता है रोटी को उसी का हक होता है। कैसे लिखोगे, देखो भाई इस तरह से लिख सकते हैं, उस तक जाने में डरती थी, उस तक जाने में डरती थी, तुझे मैं ले जाने नहीं दूंगी, सही तरह से वाक्य बना के लिखना है। और उसके बाद था, उसका है रोटी पे हक जो पहले देखे, जो पहले देखता है उसका रोटी पर हक होता है। तो तीनों प्रश्न मैंने आपको एक साथ कराए बच्चों, प्रश्न संख्या 19, 20 और 21, कैसे कैसे इस तरह से आपने कर लिए तीनों प्रश्न। अच्छा, उसके बाद भाई एक लास्ट प्रश्न है ठीक है, ये आपके लिए जो कि बड़ा ही मजेदार है, इसके अंदर भी ड्राइंग आ गई। आप कहोगे सर आज तो बड़ा मजा आ रहा है, ड्राइंग वाले भी प्रश्न दे रहे हो आप, तो ये देखो, ये 20वें के बाद जो ये 21वें के बाद जो 22वां प्रश्न है, अब वो मजेदार है, थोड़ा समझो भाई इसके अंदर क्या है ठीक है। उसके अंदर ये है आपके लिए, अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला, क्या मिला, पहले तो रोटी मिली थी, दूसरे दिन, अगले दिन क्या मिला, तरबूज मिला, दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, तभी बंदर आ गया। लो भाई ये फिर से चालाक बंदर फिर से आ गया इन दोनों के पास, कहां आ गया, बिल्लियों के पास। आगे क्या हुआ होगा, अब आपको बताना है भाई उसके बाद का, कि कहानी क्या होगा, कहानी अधूरी दे दी गई आपको, अब इस कहानी को पूरी करनी है, रोटी की जगह अब की बार क्या है, तरबूज आ गया है, तो आपको बताना है कहानी क्या हुआ होगा। जैसे मैं बता रहा हूं आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्या देखो भाई, कि तुम बंदर और जो बिल्ली जब आए होंगे तो बातचीत हुई होगी, तुम पहले भी बंटवारा करने के नाम पर चलाकी से रोटी खा गए, बिल्लियों ने क्या बोला होगा, कि भाई चलाकी से रोटी खा गए थे, अब की बार तुम्हारी दाल नहीं गलेगी,
दाल नहीं गलेगी, बेटा मुहावरा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। दाल नहीं गलेगी का मतलब है तुम्हारी मनमानी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। बेचारा बंदर उदास सा मुंह बनाकर, यानी कि मुंह लटकाकर चला गया। क्या हुआ होगा कि दोनों बिल्लियों ने बोला होगा, तुम पहले भी बंटवारा के नाम पे चलाकी से रोटी खा गए थे, अब की बार तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। और बेचारा बंदर उदास होकर के मुंह बना के वहां से चला गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसका उत्तर आप लिख सकते हो प्रश्न संख्या 22 का। ठीक है, अब देखो भाई, अब ये एक बड़े ही मजेदार एक्टिविटी है आपके लिए, प्रश्न नहीं है ये एक्टिविटी है भाई, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, गतिविधि। हिंदी में एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, गतिविधि। क्या है गतिविधि, माथा पच्ची है भाई, ये तो ये मैं नहीं करवाऊंगा भाई, ये आपके लिए होमवर्क दूंगा मैं, खुद से करना पड़ेगा, लेकिन हाँ समझा देता हूं इसको। कुछ बच्चों ने पहले भी कर लिया मुझे मालूम है कि कट्टो कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहन के साथ खेल रही थी। कौन सी बिल्ली, कट्टो बिल्ली। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। देखो ये रही तस्वीर, ये दिख रही है ना तस्वीर, ये तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है। अब इतनी सारी जो बिल्लियां दिख रही है इसके अंदर से कट्टो बिल्ली को आपको ढूंढना है, और हाँ नीचे कमेंट में भी आपको मुझे बताना है कि कौन सी है, पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में है, तीसरी लाइन में है, कौन से नंबर पे, मुझे जरूर बताना। ठीक है, ये बच्चों आपके लिए पहली है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से देखो फोटो को और फिर बताना। ठीक है, अब आते भाई आप सरप्राइज पे। ठीक है, बहुत वेट कराया सर आपने, यही ना, ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं बच्चों, ये मैं दिखा रहा हूं अपने पुराने स्कूल की, यानी कि असम की फोटो दिखा रहा हूं, जिसमें मैंने ये एक्टिविटी करवाई थी भाई, जिसके अंदर मैंने बच्चों से मास्क बनवाया था। मास्क यानी कि क्या होता है मास्क का मतलब, हिंदी में बोलते हैं उसे मुखौटा। क्या बोलते हैं, मुखौटा। देखो ये होता है मुखौटा ये। ठीक है, तो भी ये अगली एक्टिविटी आपके लिए, जो आपके लिए होमवर्क भी होने वाला है, जो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो। ठीक है, लिंक भाई दोनों का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जो मैंने जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया वहां भी भेज सकते हो। अच्छा क्या है, अब जरा समझो भाई, पहले समझ लो। तो इसमें क्या है कि इन बच्चों ने भी मुखौटे बनाए थे। ठीक है, अगर अभी क्लासरूम होते तो क्लासरूम में भी कर सकते थे हम लोग, अभी आप लोग घर पे हो तो घर पे भी कर सकते। मुखौटा बनाओगे अपने साइज का, चाहो तो बंदर का बना लो, आपका मन करे तो बंदर का बना लो, अगर आपका मन करे बिल्ली का बनाना है तो बिल्ली का भी बना सकते हो भाई। ठीक है, तो ये किसी का भी आप बना सकते हो और पहन के अपनी फोटो भी भेज सकते हो भाई। ठीक है, आप कहोगे सर आपने भी पहना, हाँ भाई ये देखो मैंने भी पहना है, ये देखो मैंने भी भाई, लेकिन बनाया नहीं है मैंने भाई, मुझे कहाँ आता है भाई, मुझे आता है क्या, आपको क्या लगता है मुझे आता होगा, बताना मुझे। तो ये बच्चों ने बनाया था और इन बच्चों ने पहना है, ये देखो मेरा ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये मेरा यहाँ रखा हुआ है जो मैंने पहना हुआ है, और एक और एक्स्ट्रा भी है लेकिन यहाँ मैंने उतार दिया है। ठीक है, देख लिया। तो भाई ये एक ट्यूटोरियल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूं नीचे, यहां से आप देख करके सीख सकते हो, और ये वाला मास्क आप बना सकते हो, किसका है, बिल्ली का है, तो ये आप बना सकते हो देख करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस फोटो को देख के आप पहचान सकते हो कि सर का ये वाला वीडियो, इसे देख करके आप खुद से बना भी सकते हो, तो ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा आपकी फोटो देखने का। कैसी फोटो, अरे भाई ऐसी फोटो पहन के भेजना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इस तरह से फोटो खींच के भेज दो इस तरह से कि सर ये देखो, क्या बोलोगे, जैसे प्रश्न है आपके लिए, बच्चों से ऐसा मुखौटा बनाने के लिए कहें। हाँ भाई मैंने आप लोगों को कह दिया। इसी प्रकार से अन्य जानवरों के मुखौटे बनाए जा सकते हैं, किस किस के बनाए जा सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो, जैसे अभी तो मैं बिल्ली का बना के दे रहा हूं, शेर का बना लो, हाथी का बना लो, जो भी आपका मन करे उसका मुखौटा आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, इस ट्यूटोरियल को देख करके। ठीक है, तो ये बताना मुझे, मैं देखना चाहता हूँ। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब आपका अगला पार्ट में लेके आऊंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ भाई लाइक जरूर करके जाना अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। मैंने आज अपनी फोटो भी दिखाई आप लोगों को, देख लो। चलो अब बाय। ठीक है, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बाय बच्चों।